नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा ताल, क्योंकि जो सारे लोग की ये फरमाइश आ रही थी कि ना मैम कि अभी तक जो शुरुआती ढोलक कैसे सीखे, जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल ढोलक के ज्ञान ही नहीं है, जिसको बिल्कुल बजाने ही नहीं आता, वो कैसे सीखे, मैम आप ये कोई ताल ऐसे बताएं। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे कुछ ताल लेके आई हूँ, बिल्कुल काउंटिंग बिल्कुल कम है, केवल आपको 3 काउंटिंग में पूरा ढोलक में बजा के दिखाऊंगी और हर गाने पे आप बजा सकते हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको बजाना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है और आपको बिल्कुल इस पे मेहनत कुछ करना ही नहीं है। देखिए जो आपके बेस साइड है, ये आपका क्या है, बेस साइड, ठीक है, ये आपका बेस साइड है और उधर आपके चाटी साइड है। आपको बजाना कैसे है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो ये जो चौड़ा हिस्सा होता है उसे हम बेस साइड बोलते हैं और जो पतला हिस्सा होता है उसे चाटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद अब आते हैं ढोलक पे। ढोलक पे बजाना कैसे है, केवल 1 2 आपको बीच साइड नहीं मारना, बीच मतलब बेस आपको जो है बंद बेस पे नहीं जाना है, केवल आपको खुले बेस पे ही आज बजाना है। बंद बेस मतलब बीच में आपको नहीं बजाना है, केवल आपको खुले बेस पे मारना है। यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 यही आपको बजाना है। बेस के साइड कंप्लीट हो गया, अब आते हैं चाटी के साइड। चाटी के साइड आपको कैसे बजाना है, 1 2 बेस के साइड है, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 पे क्या गिर रहा है, ग्रुप फिंगर, और 4 पे क्या गिर रहा है, इंडेक्स फिंगर। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 यही आपको बजाना है। 1 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही आपको बजाना है। बिल्कुल बहुत इजी है ये, बिल्कुल सिंपल ताल है ये, जिसको बिल्कुल ढोलक पकड़ने नहीं आता उसके लिए ये बहुत अच्छा ताल है। बस आप काउंटिंग देखो और रिदम देखो, दोनों आपको मिला के कैसे बजाना है ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बहुत इजी है, सच बता रही हूँ, बहुत इजी है। बस आपको केवल काउंटिंग सही रखना है और आपको ढोलक पे के पकड़ने का तरीका सही रखना, बस उसके बाद आप ढोलक बजा लोगे। इस बार आप ढोलक जरूर बजाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आप एक बार जरूर कमेंट में करिए, बताइएगा कि मैम आप लोग को ढोलक बजाने आया कि नहीं आया, जो हमने ये ताल सिखाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं चैनल से देख के चले जाएंगे, लेकिन हाँ 1000 में जाएगा, 200 जाएगा, 400 जाएगा, 500 तक का व्यूज जाएगा, लेकिन कमेंट आपका 1 2 या तो कभी नहीं ऐसा रहता है, कमेंट आते ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और जिसको जिसको हाँ जिसको जिसको अगर बहुत सारे लोग का ये जो कमेंट आता है ना कि मैम आप जब सिखाते हो, आप जब बजाते हो ना, तो आपके जो ताल हैं वो कुछ अलग दिखते हैं और लेकिन जब सिखाते हो कुछ अलग दिखते हैं, ऐसे नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ कि ये जो चीज़ मैं बताती हूँ वही मैं बजाती हूँ, ठीक है। आप देखो, खुद ही देखो ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बजने के बाद आपके जो ताल यही है, देखिए पहले आप धीरे धीरे करोगे, उसके बाद आपके खुद ही चलने लेंगे हैंड। यही आपके ताल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ग्रुप फिंगर है ये, 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत इजी है सच में। आप लोग जो ये बोल लेते ना कि मैम आप जब बजाते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट आपकी तरह नहीं आता बजाने, नहीं, मैं इस बार मेरी यही कोशिश है कि मेरी तरह आप लोग को ढोलक बजाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आइए मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा माता जी का भजन सुनाती हूँ, एक लाइन केवल सुनाऊंगी, केवल मुखड़ा ही।
आपको ऐसे ही बजाना है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताना है आपको, तो बस कुछ नहीं करना है बिल्कुल। जिसको बिल्कुल ढोलक बजाने नहीं आता तो इस बार वो ये ताल जरूर सीखे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये ताल कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तब तक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा मैंने जो सिखाया आप लोग को पसंद आया कि नहीं आया। तो एक बार मैं आप लोगों से दूसरी बार बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करिए और ऐसे हमें प्यार देते रहें, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और खुशियाँ बांटते रहें, लोगों को भी खुश रखें।